डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट यानी कि शॉर्टकट। स्थानिक स्वराज्य के चुनाव की हुई घोषणा, जिला पंचायत तालुका पंचायत और नगर पालिका में होंगे 29 नवंबर को मतदान, मतगणना होगी 2 दिसंबर को। गरबाड़ा की कांग्रेस तरफी महिला विधायक को पत्र द्वारा मिली मौत की धमकी, गरबाड़ा पुलिस स्टेशन में हुई FIR। और शरद पूनम के चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार बने दाहोद के मेहमान, उठाया गर्भों का लुक। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की। जी हां, स्थानिक स्वराज चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिला पंचायत तालुका पंचायत और नगर पालिका के मतदान एक ही दिन यानी कि 29 नवंबर को होंगे और मतगणना होगी 2 दिसंबर को। गुजरात में स्थानिक स्वराज्य के चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्मी देखी जा रही है। राजनीतिक पक्ष अपने अपने गणित व समीकरणों में व्यस्त हैं। उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज व टिकटों का दौर शुरू हो रहा है, तो दूसरी तरफ तंत्र ने भी निष्पक्ष चुनाव हो सके इस संदर्भ में अपनी कमर कस ली है। अभी हाल ही में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर ऑफिस के सभाखंड में पहली पत्रकार परिषद का आयोजन हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक RDC सहित आला अधिकारियों की उपस्थिति में हुई पत्रकार परिषद में जिला कलेक्टर श्री ने बताया कि स्थानिक स्वराज्य के चुनाव अर्थात जिला पंचायत, तालुका पंचायत व नगर पालिका तीनों ही चुनाव 29 नवंबर को अर्थात एक ही दिन होने हैं और तीनों ही की मतगणना भी 2 दिसंबर को अर्थात एक ही दिन होनी है, जिसके चलते आचार संहिता का अमलीकरण भी शुरू हो गया है और दाहोद जिले के संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान मथकों को ध्यान में रखते हुए दाहोद जिले में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण वातावरण में हो और अधिकाधिक मतदाता अपने अपने मताधिकार का उपयोग निर्भीक होकर बिना डरे कर सकें, इस संदर्भ में भी तंत्र ने अपनी कमर कस ली है। अब आइए जानते हैं दाहोद जिला कलेक्टर श्री इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। दाहोद जिला में स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीओनी कामगिरी शुरू थई गई छे। आप सर्वे विधि छो ते प्रमाणे दाहोद में 8 तालुका पंचायत, 1 जिला पंचायत और दाहोद नगरपालिका विस्तार की स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीओनो कार्यक्रम छे। आत्रे थी आ तबक्के थी तमाम नगरजनों ने पोताना मताधिकारनो योग्यतापूर्वक અને ફ્રી એન્ડ ફેર રીતે એટલે નિર્ભીકપણે મતદાન કરવા હું વિનંતી કરું છું। આગામી તારીખ 29/11/2015 દિવસે સવારે 8 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી આપ આપના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકો છો। સમગ્ર દાહોદ જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત વિસ્તારમાં 1382 મતદાન મથકો અને નગરપાલિકા દાહોદ વિસ્તારની અંદર 83 મતદાન મથકોને આઇડેન્ટિફાઈ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને આપ સર્વે નાગરિકો પોતાના મતાધિકારનો નિર્ભીકપણે ઉપયોગ કરી શકો તે પ્રમાણેની જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી પૂરતી કાળજી લેવાઈ રહેલ છે। આ વખતે આપને કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો અમારા કંટ્રોલ રૂમનો પણ આપ સંપર્ક કરી શકો છો। થેન્ક યુ। ગરબાડા કી મહિલા વિધાયક ચંદ્રિકાબેન બારિયા કો ડાક દ્વારા પત્ર કે મારફત દી ગઈ મોત કી ધમકી હોઈ FIR। गुजरात में स्थानिक स्वराज के चुनाव की घोषणा होते ही जहां एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ दाहोद के गरबाड़ा की कांग्रेस तरफी महिला विधायक चंद्रिकाबेन बारिया को मिली है मौत की धमकी। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डाक द्वारा एक पत्र विधायक चंद्रिकाबेन बारिया को मिला, जिसमें
चंद्रिकाबेन बारिया को दी गई थी मौत की धमकी। इस खबर के वायुवेग से फैलते ही राजनीतिक खेमों में और भी मची खलबली। इस संबंध में हमने सीधे चंद्रिकाबेन बारिया से बात की, आइए जानते हैं उनका इस संबंध में क्या कहना है। टपाल में आई मैंने एक कागल मळ्यो, कोरो कागळ, एमां जाहेर में धमकी, एटले मने एकदम बीक भराई, एटले वांची अर्धुं वांचीने गाड़ी में बेसी अने हूँ पोलीस स्टेशन पहुंची। एमां उल्लेख एवो छे के जाहेर में धमकी, पछी लख्युं चंद्रिका बारिया के अमारा पक्ष विरुद्ध जो प्रसार करवा निकली तो तने जानती मारी नाखीश, प्रसार में निकलशो तो गोली थी उड़ावी देश। हालांकि चुनावी माहौल के चलते मिली इस धमकी के चलते राजनीतिक गलियारों में और भी गर्मावा आया है। बहरहाल इस संबंध में विधायक चंद्रिकाबेन बारिया ने गरबाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी। अब ये धमकी किसने दी, क्यों दी, ये तो जांच का विषय है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही ली है हाथ में। तो जे बाबते गरबाड़ा पुलिसे IPC 307 मुजब फरियाद दाखिल करी है अने कायदेसर कार्यवाही चालू करी। कलेक्टर पर पोस्ट नो जे सिक्को लागेलो छे ते एकदम अस्पष्ट छे, एटले क्यांथी पोस्ट थयो छे ते कही शकाय तेम नथी। अने प्राथमिक तबक्के अत्यारे पब्लिकना माणसोमां जई आवुं चंद्रिकाबेन विरुद्ध कोई करी शके केम ते बाबते तपास चालू करेल छे। लोग पान कार्ड संबंधी उसकी अनिवार्यता को समझे, अपना अपना कर अदा करें, इस संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए दाहोद के आयकर विभाग की ऑफिस में 2 दिवसीय कैंप कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गत मंगलवार को दिल्ली से वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पान प्रोसेसिंग योजना का आरंभ किया गया था। इस मौके पर देश के अमुक शहरों को ही, जिनमें दाहोद का भी समावेश किया गया, वित्त मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन वार्तालाप में शामिल किया गया था। दाहोद की आयकर विभाग की ऑफिस में आयोजित इस पान कैंप के कार्यक्रम के तहत बड़ौदा इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर तथा पंचमहल जोन के कमिश्नर की उपस्थिति में पान प्रोसेसिंग का उद्घाटन व वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय कार्यक्रम के चलते लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास भी हाथ लिए गए। अधिकाधिक लोग पान कार्ड की अनिवार्यता को समझें व पान कार्ड बनवाकर अपना अपना कर भर सकें, ऐसा आग्रह भी किया गया, साथ ही लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। शरद पूनम के चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार दाहोद के बने मेहमान, और दाहोद में गरबा करके इन कलाकारों ने उठाया लुत्फ। शरद पूनम के चलते यूं तो अक्सर दूध पौवे या खीर आदि खाकर गरबों का लुत्फ उठाया जाता है, किंतु इस बार शरद पूनम के चलते दाहोद के सिटी ग्राउंड पर भव्य गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। साथ ही इस मौके पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक मशहूर व लोकप्रिय धारावाहिक के कलाकार रोशन सोढ़ी, अब्दुल व टप्पू को भी आमंत्रित किया गया था। अपने पसंदीदा कलाकारों से मिलने व उनकी झलक पाने के लिए सिटी ग्राउंड पर मानो दाहोद ही उमड़ पड़ा हो, जहां एक तरफ इन कलाकारों को प्रत्यक्ष देखकर दाहोदवासी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे, वहीं कलाकार भी दाहोद वासियों से मिलकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कलाकारों ने जमकर मौज मस्ती की और उठाया गरबों का लुत्फ। तो दूसरी तरफ गरबा प्रेमियों ने भी दिल खोलकर प्रतियोगिता में भाग लेते हुए गरबों का उठाया लुत्फ। Yeah।
और फिर देर रात तक चलती रही गरबों की धूम। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर एक प्रत्याशी ने दिल खोलकर यहां पर किए गरबे और उसके बाद बारी आई नतीजों की। जीतने वाले प्रत्याशियों को दिए गए इनाम वगैरह, उसमें डीटीएन के हमारे कैमरामैन मनीष जैन ने मारी बाजी और रहे पहले पायदान पर। डीटीएन की तरफ से हम हमारे कैमरामैन को भी देते हैं ढेरों बधाइयां। गोधरा रोड के एक शॉपिंग सेंटर पर अंधेरे का लाभ उठाकर दो मोबाइल की दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। गोधरा रोड का नाका विस्तार, जहां अक्सर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, गत रविवार को देर रात इसी नाके के सामने एक शॉपिंग सेंटर में दो मोबाइल की दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। अगल बगल की दोनों ही मोबाइल की दुकानों के शटर तोड़कर चोरों ने दुकान में किया प्रवेश और फिर मोबाइल सहित गल्ले में रखी रोकड़ रकम लेकर चोर हुए फरार। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां इस विस्तार में अक्सर रात के समय स्ट्रीट लाइट रहती है बंद, सो अंधेरों का फायदा उठाकर चोरों ने इन दुकानों को बनाया है निशाना, ऐसा दुकान मालिकों का कहना और मानना है। ज्यादा मतलब प्रॉब्लम ये है कि अंधेरे का लाभ उठाया है लोगों ने, उसी से मतलब ये कांड हो गए हैं। एक मेरी मुन्ना एसटीडी दुकान है और एक स्क्यूब रेडियो वाले हत्या हुई है और तंत्र पे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए पूरा पूरा, ताकि आगे और भी मतलब व्यापारी भाइयों को मतलब इस तरह का नुकसान न हो और इस तरह की हैरान गति न हो। बहरहाल इस संबंध में पुलिस को इतला देने पर पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही ली गई हाथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के चलते दाहोद जिला कांग्रेस समिति द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के चलते दाहोद के पड़ाव विस्तार स्थित सरदार चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम कांग्रेस पक्ष द्वारा किया गया, जिसके चलते दाहोद जिला कांग्रेस समिति के प्रमुख, कांग्रेस के अग्रणी तथा दाहोद कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में रहे मौजूद। सभी ने पूरी श्रद्धा के साथ सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया और फिर इसके बाद एक विशाल रैली का आयोजन दाहोद जिला कांग्रेस समिति के द्वारा किया गया, जिसे दाहोद के विविध राजमार्गों पर घुमाया गया, जिसमें भारी तादाद में लोग रहे उपस्थित। अपने अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए महिलाओं ने किया करवा चौथ का व्रत, वहीं अग्रवाल समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से मनाया करवा चौथ। करवा चौथ का भारतीय नारियों में विशेष महत्व है। आज के दिन भारतीय नारी सज धज कर, श्रृंगार कर, मेहंदी आदि लगाकर दिन भर खुद भूखे रहकर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए चांद देखकर व्रत खोलती हैं। इस विशेष दिन के चलते अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा अग्रसेन भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत अग्रवाल समाज की महिलाएं सज धज कर श्रृंगार आदि करके अग्रसेन भवन पहुंची, जहां पूजा अर्चना आदि के कार्यक्रम हुए और चांद निकल जाने पर चांद के दर्शन कर सभी महिलाओं ने सामूहिक रूप से व्रत खोला और अपने अपने पति की दीर्घ आयु की कामना की और अच्छे स्वास्थ्य की भी की महिलाओं ने कामना। सुहागन महिलाओं पोतना सुहागनी लांबी उम्र माटे
ચંદ્રમા ગણેશજીની બપોરે પૂજા કરીને રાત્રે ચંદ્રમાને અર્ઘ દઈને વ્રત રાખીએ છીએ અને ચંદ્રમાને અર્ઘ દીધા પછી પોતાનું વ્રત ખોલે છે અને બહુ ધૂમધામથી અમારા મારવાડી લોકોમાં આ તહેવાર ઉજવાય છે। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे दो बातें करेंगे। एक, ब्याज यानी समाज में बढ़ती हुई एक बदी, इसके खिलाफ तंत्र ने की है आंखें लाल। दाहोद का पुलिस विभाग इस संबंध में आपको देना चाहता है कुछ जानकारी। તાજેતરની અંદર અમારા ધ્યાન ઉપર આવેલ કે દાહોદ જિલ્લાની અંદર અમુક અસામાજિક તત્વો પોતાની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ પર પોલીસના ધડ અને રેડો કરવાને લીધે અંકુશ આવતા તે લોકોએ હવે ગેરકાયદેસર વ્યાજખોરીનો ધંધો ચાલુ કરેલ છે અને જે આધારે અમારા પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ શ્રી તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી દાહોદ ડિવિઝન નાઓના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ આવા તત્વોને શોધી અને કેસો કરવામાં આવેલ છે। તેમ છતાં પણ આવા અસામાજિક તત્વો હજુ પણ દાહોદ જિલ્લામાં હોય તેવું અમને જણાઈ આવે છે, તો આ બાબતે અમે ખાનગી રહે તપાસ ચાલુ કરેલ છે। દાહોદ જિલ્લાના નાગરિકોને વિનંતી છે કે કોઈ પણ નાગરિકોએ આવા કોઈ અસામાજિક તત્વોના ચુંગાલમાં કોઈ સામાજિક કામ અંગે વ્યાજે પૈસા લેવાની જરૂર ઊભી થઈ હોય અને લીધા હોય અને જો તમારી પાસેથી બબે ત્રણ ત્રણ ગણું વ્યાજ વસૂલ કરતા હોય અને તમને બીજી ધાકધમકી કે હેરાન કરતા હોય તો તમે આવા તત્વોને ખુલ્લા પાડવા ખાનગી રહે અમારા પોલીસનો સંપર્ક કરશો કે જેથી અમો મહેરબા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી દાહોદ ડિવિઝનના માર્ગદર્શન હેઠળ આવા તત્વોને પકડી કાયદેસર કરી અને પૂરેપૂરા ડામી દેવા પ્રયત્નો કરી શકીએ। મારી દાહોદ જિલ્લા ટાઉનના નાગરિકોને વિનંતી છે કે તમારા ધ્યાનમાં આવો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો નિઃસંકોચપણે કોઈ પણ શેરશરમ વગર ખાનગી રહે અમારો સંપર્ક કરજો કે જેથી અમે તમારા કાર્યને અમે સાર્થક કરી શકીએ। દોસ્તો, દીપો કા ત્યોહાર, खुशियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार दीपावली आने को है। हर बार की तरह इस बार भी हम तैयार हैं शुभकामनाएं संदेश का आदान प्रदान करने के लिए। अगर आप दीपावली की शुभकामनाएं किसी को देना या लेना चाहते हो या फिर अपने धंधे, रोजगार, व्यापार या दुकान संबंधी एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हो, उसके माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हो, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।